डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 आता है। इफ 30 गोट्स कैन ग्रेज ए फील्ड इन 15 डेज, देन हाउ मैनी गोट्स विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 10 डेज। तो देखिए, 30 गोट्स जो हैं वो एक फील्ड को 15 डेज में ग्रेज करती हैं। देन हाउ मैनी गोट्स विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 10 डेज, 10 डेज में कितनी गोट्स जो है वो ग्रेज करेंगी। तो हमें नंबर ऑफ गोट्स फाइंड करनी है। तो ये भी क्वेश्चन जो है, देखिए, इनवर्स वेरिएशन का है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करते हैं। ये ड्रॉ कर लिया हमने, थ्री। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ गोट्स और यहाँ पे डेज। तो ये कहता है कि 30 गोट्स जो है वो फील्ड को 15 डेज में ग्रेज करती हैं। 30 गोट्स 15 डेज में ग्रेज करती हैं। तो हाउ मैनी गोट्स, हमें नंबर ऑफ गोट्स फाइंड करनी है, विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 10 डेज। डेज क्या है, 10। तो ये नंबर ऑफ गोट्स फाइंड करनी है। अब देखिए, 15 डेज में 30 गोट्स ग्रेज करती हैं, तो 10 डेज में ज़्यादा करेंगी ना। नंबर ऑफ डेज कम हो गए तो नंबर ऑफ गोट्स क्या हो जाएंगे, इनक्रीज। तो ये क्या बनेगा, इनवर्स वेरिएशन। क्या बनेगा ये, इनवर्स वेरिएशन। तो इसमें इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, ए इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। ए ये है और बी ये है, तो ए इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर लो बेशक। तो ए इंटू बी कॉन्स्टेंट के इक्वल है, तो 30 इंटू 15 इज इक्वल टू एक्स इंटू 10। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10x, 10 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 30 इंटू 15। तो हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 30 इंटू 15 अपॉन में 10 इधर आगे डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कैंसिल कर दो, 0 से 0, 15 थ्री इधर क्या आ जाएगा, 45। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 45। तो ये नंबर ऑफ गोट्स आ गई, तो 45 गोट्स। तो नंबर ऑफ गोट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, 45। तो 45 गोट्स जो है वो 10 डेज में ग्रेज करेंगे, या 10 डेज में 45 गोट्स ग्रेज करेंगे। अब देखो, नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हुए और नंबर ऑफ गोट्स क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, 45 हो गई। तो ये इस तरह से इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है। देखिए, इसमें ए कॉन्ट्रैक्टर विद ए वर्क फोर्स ऑफ 420 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग इन 9 मंथ्स। ड्यू टू रिक्वेस्ट बाय द ओनर्स, ही वाज आस्क्ड टू कंप्लीट द जॉब इन 7 मंथ्स। हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैन कैन ही मस्ट एम्प्लॉय टू कंप्लीट द जॉब। तो ये कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्टर जो है, एक काम को, वर्क को कंप्लीट करने के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क को, ठीक है, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन वर्क को कंप्लीट करने के लिए 420 मैन अप्लाई वो करता है, एम्प्लॉय, ठीक है। तो 9 मंथ्स में कंप्लीट होता है वो वर्क। 420 मैन जो है वो 9 मंथ्स में बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क जो है कंप्लीट करते हैं। ड्यू टू रिक्वेस्ट बाय द ओनर्स, जो ओनर्स होते हैं जिन्होंने फ्लैट्स वगैरह खरीद रखे हैं, हाउसेस खरीद रखे हैं, ही वाज आस्क टू कंप्लीट द जॉब इन 7 मंथ्स। उसको कहा जाता है कि 7 मंथ्स में उस वर्क को कंप्लीट करो। तो उसको एक्स्ट्रा मैन पावर जो है लगानी पड़ेगी, तो वो फाइंड करनी है, हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैन ही मस्ट एम्प्लॉय टू कंप्लीट द जॉब। तो उसको कितने जो है नंबर ऑफ मैन चाहिए एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, भाई टोटल मैन कितने चाहिए। 420 तो उसने एम्प्लॉय कर ही रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये इस तरह से टेबल ड्रॉ करेंगे। ये टेबल ड्रॉ कर लिया हमने, यहाँ पे लिखेंगे मैन और यहाँ पे लिखेंगे मंथ्स। अब देखिए, 420 मैन,
कितने मंथ्स में कंप्लीट करते हैं? 9 मंथ्स में। तो 7 मंथ्स में, अब देखिए 7 मंथ्स में हाउ मैनी, पहले तो हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फाइंड करने हैं, अभी कितने एम्प्लॉय होंगे वो 7 मंथ में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा मैन फाइंड करेंगे हम। तो सबसे पहले देखिए 9 मंथ में 420 मैन कंप्लीट करते हैं, तो 7 मंथ में ज़्यादा करेंगे ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ मंथ्स डिक्रीज हो रहे हैं और नंबर ऑफ मैन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है ये। तो क्या होगा, ये ए इंटू बी, ये ए है ये बी है, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो 420 × 9 इज इक्वल टू पी इंटू 7। तो ये देखिए, तो इसमें ये आ जाएगा 7p इज इक्वल टू 420 × 9। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 420 × 9 अपॉन में 7। तो 7 से इसको जो है डिवाइड कर देंगे, 7 × 7, 7 × 6 = 42, 7 × 0 = 0। तो 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 540 आ जाएगा हमारे पास, 69 × 540। तो हमारे पास ये नंबर ऑफ मैन आ गए कितने, 540। तो एक्स्ट्रा मैन कितने चाहिए उसको, अब उसने एम्प्लॉय कितने किए थे पहले 420, और अब कितने हैं नए, 540 हो गई। तो एक्स्ट्रा मैन एम्प्लॉय टू कंप्लीट द जॉब कितने चाहिए इसको, अब देखिए 540 आए थे, इसमें से पहले इसने 420 जो है एम्प्लॉय कर रखे हैं, तो कितने हो जाएंगे ये 120 एक्स्ट्रा मैन उसको चाहिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए, उदय कैन फिनिश ए वर्क इन 25 डेज इफ ही रीड्स 18 पेजेस एवरी डे, हाउ मैनी डेज विल ही टेक टू फिनिश इट इफ ही रीड्स 15 पेजेस एवरी डे। अब देखिए, ये कहता है कि उदय जो है एक बुक को 25 डेज में फिनिश करता है यदि वो 18 पेजेस एवरी डे रीड करता है। तो हाउ मैनी डेज विल ही टेक टू फिनिश इट, वो कितने दिन में उसको फिनिश करेगा, इफ ही रीड्स 15 पेजेस एवरी डे, तो यदि वो 15 पेजेस जो है एवरी डे रीड करे। तो देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस डिक्रीज हो गए, तो नंबर ऑफ डेज इंक्रीज होंगे ही होंगे, क्योंकि कम पेज पढ़ करके उसको ज़्यादा दिन लगेंगे उसको फिनिश करने में। तो इसलिए तो ये भी इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन रहेगा। तो हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ कर ली हमने टेबल, यहाँ पे लिखेंगे डेज और यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस। तो 25 डेज में वो 18 पेजेस, यानी 18 पेजेस पढ़ के 25 डेज में कंप्लीट फिनिश करता है, तो 15 पेजेस पढ़ के वो कितने डेज में उसको कंप्लीट करेगा। तो इसको आप पी लेट कर लो, तो ए इंटू बी इनवर्स वेरिएशन रहेगा, तो लिखेंगे इनवर्स वेरिएशन। तो इनवर्स वेरिएशन के लिए क्या होता है, ए इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो 25 × 18 इज इक्वल टू पी इंटू 15, यानी 15p जो है वो 25 × 18 के इक्वल है। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 25 × 18 / 15। 5 से कैंसिल करो, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18। तो 5 × 6 = क्या आ जाएगा हमारे पास, 30। तो उसको कितने डेज लगेंगे, 30 डेज। तो वो 30 डेज में इसको फिनिश करेगा बुक को।
15 पेजेस डेली रीड करके। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो गई, नंबर ऑफ पेजेस डिक्रीज थे तो नंबर ऑफ डेज क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो इस तरह से इनवर्स वेरिएशन आएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में ए शॉपकीपर हैज़ एनफ मनी टू बाय 40 बुक्स। एक शॉपकीपर के पास जो है इतना मनी है कि वो 40 बुक्स जो है वो बाय कर सकता है, खरीद सकता है, ईच कॉस्टिंग ₹125, और हर एक की कॉस्ट क्या है 125। हाउ मैनी बुक्स ही कैन बाय इफ ही गेट्स ए डिस्काउंट ऑफ ₹25 ऑन ईच बुक। भाई वो कितनी बुक्स जो है और खरीद सकता है यदि उसको हर बुक पे ₹25 का डिस्काउंट मिले। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ बुक क्या है ये लिख लो, कॉस्ट ऑफ वन बुक क्या है ₹125, और डिस्काउंट कितना मिलता है इसको ₹25। तो कॉस्ट ऑफ बुक आफ्टर डिस्काउंट, कॉस्ट ऑफ बुक आफ्टर डिस्काउंट क्या रहेगी, आफ्टर डिस्काउंट कॉस्ट ऑफ बुक क्या होगी, 125 माइनस 25 क्या आ जाएगी, ₹100 की, कितनी आ जाएगी ₹100। तो ₹100 की कॉस्ट जो है, उस ₹100 की कॉस्ट की कितनी बुक्स वो और वो खरीद सकता है। तो देखिए ये डायरेक्ट का नहीं है, इनवर्स वेरिएशन का ही क्वेश्चन है, तो उसी तरह से हम इसको टेबल ड्रॉ कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब देखिए ए शॉपकीपर हैज़ एनफ मनी टू बाय 40 बुक्स ईच कॉस्टिंग ₹125। भाई एक की कॉस्ट 125 है तो 40 वो बाय करता है, अब ₹100 की कॉस्ट की कितनी बाय करेगा वो, क्योंकि डिस्काउंट मिल गया उसको ₹25 का, तो डिस्काउंट माइनस करके हमारे पास ₹100 बच गए। तो ₹100 कॉस्ट की वो कितनी बुक्स जो है वो बाय करेगा, तो वो फाइंड करना हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बुक्स और यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट इन रुपीस। तो नंबर ऑफ बुक्स क्या है 40 और कॉस्ट क्या है इसकी 125। तो हमें नंबर ऑफ बुक्स फाइंड करनी है और कॉस्ट कितनी है 100, कॉस्ट कितनी है 100। तो अब कॉस्ट 100 रहेगी ना, कॉस्ट उसको डिस्काउंट मिल गया तो 100 कॉस्ट रहेगी उसकी। तो अब ये भी क्या है, देखिए 125 कॉस्ट की 40 बुक्स खरीदता है, तो 100 की कॉस्ट की ज़्यादा बुक्स खरीदेगा, यानी यहाँ पे कॉस्ट कम होगी लेकिन नंबर ऑफ बुक्स क्या हो जाएंगी इंक्रीज। तो ये एक्सलेट कर लो इसको। तो अब देखिए ये ए है और ये क्या है बी, तो इनवर्स वेरिएशन है। तो इनवर्स वेरिएशन के लिए क्या करेंगे, ए इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। तो क्या है हमारे पास, ए इंटू बी 40 × 125 इज इक्वल टू एक्स इंटू 100। तो इसको हम 100x लिख सकते हैं इज इक्वल टू 40 × 125। तो हमें x फाइंड करना है, तो 40 × 125 अपॉन में क्या हो जाएगा 100। तो अब इसको कैंसिल करो, 25 × 100, 25 × 5 = 125, 4 × 4 = 40, 10 × 5 क्या आ गया 50। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ये क्या आ गई हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स आ गई। तो वो नंबर ऑफ बुक्स कितनी बाय करेगा, ₹100 कॉस्ट की 50, कितनी बाय करेगा 50। अब देखो कॉस्ट डिक्रीज हो गई तो नंबर ऑफ बुक्स क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ये इनवर्स वेरिएशन है इस तरह से। तो इस तरह के क्वेश्चन इनवर्स वेरिएशन के हैं ये सभी। तो हमें स्टेटमेंट से ही पता लगेगा कि ये इनवर्स वेरिएशन है या डायरेक्ट वेरिएशन। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, 6 पंप्स वर्किंग टुगेदर एम्प्टी ए टैंक इन 28 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक इन 4 सच पंप्स इफ 4 सच पंप्स आर वर्किंग टुगेदर।
तो ये कहता है कि सिक्स पंप्स जो है एक टैंक को 28 मिनट्स में एम्प्टी करते हैं, खाली करते हैं, तो फोर सच पंप्स जो हैं वो उसको कितने टाइम में एम्प्टी करेंगे यदि इकट्ठे वर्किंग करते हैं। तो ये भी देखिए हमारे पास इनवर्स वेरिएशन का ही क्वेश्चन रहेगा। क्यों? क्योंकि सिक्स पंप जो हैं वो कितना टाइम लेते हैं, 28 मिनट्स लेते हैं जब वो इकट्ठे चलते हैं, किसी भी टैंक को खाली करने के लिए 28 मिनट लेते हैं। ये कहता है कि सिक्स पंप्स वर्किंग टुगेदर एम्प्टी ए टैंक इन 28 मिनट्स, यानी सिक्स पंप जो है एक टैंक को 28 मिनट में क्या करते हैं, एम्प्टी करते हैं, खाली करते हैं। तो फोर सच पंप्स जो है वो कितने टाइम में, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक इफ फोर सच पंप्स आर वर्किंग टुगेदर, तो कितना टाइम लेंगे ये फोर सच पंप्स उसको खाली करने में। तो नंबर ऑफ पंप्स डिक्रीज हो गए तो टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ पंप्स और यहाँ पे लिखेंगे टाइम इन मिनट्स। तो ये सिक्स पंप जो है 28 मिनट में एम्प्टी करते हैं, तो फोर पंप जो है उसको कितने मिनट में क्या करेंगे, एम्प्टी करेंगे। तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, वाई लिख लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पंप यानी टाइम जो है वाई आ गया। तो ये ए है और ये बी है, इनवर्स वेरिएशन रहेगा। तो इनवर्स वेरिएशन के लिए हमें पता है कि ए इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ए ये है, बी ये है, तो 6 × 28 इज इक्वल टू 4 × y। तो 4y जो है वो 6 × 28 के इक्वल आ गया। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, 6 × 28 अपॉन में 4, 4 × 4, 4 × 7 = 28, 6 × 7 = क्या आ गया, 42। तो ये हमारे पास 42 मिनट्स आ जाएंगे। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 42 मिनट्स। तो टाइम हमारा क्या आ जाएगा, 42 मिनट्स, यानी फोर पंप जो है जब इकट्ठे चलेंगे तो वो 42 मिनट्स लेंगे उसको एम्प्टी करने के लिए। तो नंबर ऑफ पंप्स डिक्रीज हो गए तो टाइम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये हमारा क्या बन गया, डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन, सॉरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए। ए ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 4.8 आवर्स। वट शुड बी द स्पीड ऑफ ट्रेन टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 3 आवर्स। अब देखिए यहाँ पे टाइम डिक्रीज हो गया तो स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये भी क्या है, इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो हम उसी तरह से हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। तो ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन जो है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, एक डिस्टेंस को 4.8 आवर्स में कवर करती है। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ ट्रेन, भाई उस ट्रेन की स्पीड कितनी हो टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 3 आवर्स। भाई 3 आवर्स में वो कितना, मतलब जो है सेम डिस्टेंस को कितनी स्पीड से कवर करेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्पीड और यहाँ पे लिखेंगे टाइम, ठीक है। स्पीड है किलोमीटर पर आवर में और टाइम है आवर्स में। तो स्पीड कितनी है उसकी, 75, और टाइम है 4.8। तो स्पीड हमें फाइंड करनी है, टाइम क्या है, 3 आवर्स में वो कितना स्पीड से जो है उसको कवर करेगी, डिस्टेंस सेम है। तो अब ये क्वेश्चन भी क्या है, इसको हम एक्सलेट कर लेते हैं, ये भी इनवर्स वेरिएशन का है। तो इनवर्स वेरिएशन के लिए क्या होता है, ए इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। तो 75 × 4.8 इज इक्वल टू एक्स इंटू 3, या 3x इज इक्वल टू 75 × 4.8। इनको मल्टीप्लाई, एक्स की वैल्यू फाइंड कर दो, 75 × 4.8 अपॉन में 3, 3 से कैंसिल होता है ये, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। तो 25 को मल्टीप्लाई करो 4.8 से, 25 8 दा क्या होते हैं, 200, जीरो लगा दिया, 20 कैरी किया, 25 4 दा 100 + 20 120। तो
तो यहाँ वन डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रेवल करना पड़ेगा। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आ जाएगी, 120 किलोमीटर पर आवर। तो देखो टाइम डिक्रीज हो गया तो, लेकिन स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज। तो ये इनवर्स वेरिएशन के क्वेश्चन है। तो इनवर्स वेरिएशन में देखिए, वर्क एंड टाइम का मैंने बताया तुम्हें, और स्पीड एंड टाइम, ये क्वेश्चन जो हैं क्या होते हैं, इनवर्स वेरिएशन के क्वेश्चन होते हैं। तो इनको ध्यान रखना पड़ेगा।